बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 500 साल बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण पर पीएम का आभार जताया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम हुड्डा ने चुटकी ली और बोले कि पूर्व पीएम राजीव गांधी का भी जिक्र होना चाहिए था। जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है हम सब समर्थन करते हैं, उनके लिए सब जो है वो है, क्योंकि ना राम तेरा ना मेरा, राम सबका है, समझे, तो इसमें राजनीतिक वो नहीं है। लेकिन अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव में ये भी लिखते कि सबसे पहले दरवाजे किसने खुलवाए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाए, ये फैसला किसने किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया, उनका तो उल्लेख करना चाहिए था कम से कम। 98 की बात है तो मैं गया तो ये जैसे आज करें ना जय श्री राम जय श्री राम करें, अरे मैं कहा राम भगत है, फिर मैंने कहा इलाज क्या करें, जब उनका जय श्री राम मैंने कहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, समझे ना।